वेलकम बैक टू टेक्निकल हाउस। और आज मैं बताने वाला हूँ गूगल पर खुद का ब्लॉग, खुद की वेबसाइट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, एंड देन गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको ब्लॉगर सर्च करना है। ब्लॉगर सर्च करने के बाद वो blogger.com पर जाना है। blogger.com पर जाने के बाद मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू ब्लॉग पे जाने के बाद आप जब ब्लॉगर सर्च करोगे तो आपको क्रिएट न्यू ब्लॉग ऐसा इंटरफेस होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। एंड देन आपको टाइटल डालना है। टाइटल डाल के दिखाता हूँ मैं, टेक्निकल हाउस। आप इमोजी ऐड कर सकते हो चुका है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड देन ब्लॉगर एड्रेस डालना है, जो वेबसाइट की एड्रेस होगी वो डाल देना है। डाल देता हूँ टेक्निकल हाउस। तो याद रहे कि यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स अलाउड नहीं है, तो मैं इसको स्मॉल डाल देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। मैं एक और एल ऐड कर देता हूँ। ओके फाइन, तो मैं ये हटा देता हूँ। ओके तो एच, तो आप देख सकते हो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो मैंने क्या किया, टेक्निकल का एच हटाया, एंड देन टेक्निकल हाउस के आगे मैंने वन डाल दिया। तो आप देख सकते हो कि टेक्निकल हाउस ये ब्लॉग अवेलेबल है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद आपको होम पेज मिल जाएगा। होम पेज पे आने के बाद आप इस गूगल क्रोम में हो तो गूगल क्रोम में एक और बेनिफिट मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एकदम थर्ड लास्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट का, उस पर टिकआउट कर देना है। टिकआउट करने के बाद आपको पीसी लैपटॉप मोड मिल जाता है। सो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आपको एक पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ राइट साइड में कॉर्नर पे आपको प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट मैं ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं टिकआउट है बट ऑन नहीं है। मैं एक बार और ऑन करके दिखाता हूँ, ऑन कर लेता हूँ। अब हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जो ऊपर इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इमेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। एंड देन अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर आपको इधर क्लिक करना है। एंड देन अपलोड चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने एक इमेज चूज़ कर लिया है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो। टाइटल डाल देता हूँ टेक्निकल हाउस, और नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट टाइटल डाल देता हूँ टेक्निकल नॉलेज। आप इसको ऐड कर सकते हो, फॉन्ट को सेलेक्ट करो। एंड देन यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और यहाँ पे इमेज साइज मिल जाता है, एंड फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है, एंड देन फॉन्ट कलर पे क्लिक करने के बाद कलर का ऑप्शन है, मैं इससे रेड ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो रेड हो चुका है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। राइट साइड में कॉर्नर पर एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एंड देन कन्फर्म करने के बाद आपका पोस्ट हो चुका है। तो मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर थ्री लाइन से इस पर क्लिक करना है। एंड देन व्यू योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लॉग है, जो पोस्ट किया था, वो रेडी हो चुका है। मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो पोस्ट के बारे में। और ये थीम है जो ऑटोमेटिक हो चुका है। मैं आपको थीम दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है।
अगर आप होम पेज पर हो तो आपको यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है, देन आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन मिल जाता है थीम का। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, कोई भी थीम ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक ये सेकेंड वाला थीम ले लेता हूँ, इसको अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो अप्लाई हो चुका है, मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने जो थीम लिया था वही थीम अप्लाई हो चुका है। मैं आपको और ऑप्शन दिखा देता हूँ थीम का। थीम में और सारे और भी एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारे। ये जो सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में जो फ़ोटो था जंगल का उसको हटा के आपको जो फ़ोटो चाहिए आप वो लगा सकते हो। एंड देन एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन पे पेज टाइटल है, बैकग्राउंड है, पेज टाइटल को ऐड, पेज टाइटल बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ, जो बैकग्राउंड में जो जंगल की इमेज है उसको आप बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस इतना ही होता है। एंड देन लिंक से, लिंक से आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर की लिंक से। अब इसको मैं ऐड कलर चेंज करके दिखाता हूँ, मुझे रेड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड हो चुका है। एंड देन जो विजिट कलर होगा वो यहाँ पे कलर है ब्लू है, विजिट कलर ब्लू है। जैसे अगर आप लिंक्स पे क्लिक करते हो तो लिंक्स का कलर चेंज हो जाता है, तो आप यहाँ पे वो कलर ले सकते हो जो विजिट कलर है, उसको भी चेंज कर सकते हो। एंड देन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ब्लॉक टाइटल। ब्लॉक टाइटल आपको जैसे ही ब्लॉक टाइटल पर क्लिक किया वो हाईलाइट हो गया, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ है जो एडिट हो रही है। तो फिर टैप टैक्स है, फिर पोस्ट है, सर्च है, सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पॉपुलर पोस्ट। आपको और भी बहुत सारी आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ सर्च कमेंट करना, और मैं वीडियो बना दूंगा फिर इसके बारे में। जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर बताना। देख सकते हैं जो मैंने टिक किया उस पर वो हाईलाइट हो चुका है। चलते जो नेक्स्ट है गैजेट, तो मैं इससे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद ये हो चुका है, मैं इसे बैक कर देता हूँ। मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ, जो ब्लॉग रेडी हो चुका है। व्यू करने के बाद आप देख सकते हो जो ब्लॉग है वो कैसे दिख रहा है। मैंने ज़्यादा कुछ एडिट नहीं किया था, ये जो लिंक था वो मैंने रेड किया था, फिर बाद में वाइट हो गया। आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, पोस्ट हो चुका है। पोस्ट के नीचे स्टार्स है, स्टार्स आप देख सकते हो स्टार्ट्स पे कितने व्यूज़ आए अब तक, एक ही व्यूज़ है। और जो दूसरा मैंने पोस्ट बनाया था उस पर तीन व्यूज़ है, तो आप देख सकते हो कितना व्यूज़ है, कितना लाइक्स है। एंड देन आपको जो फर्स्ट जो है वहाँ पे फॉलोवर्स हैं, ज़ीरो जो फॉलोवर्स पोस्ट और कमेंट्स है मैंने अभी बनाया है इसीलिए। एंड देन जो सेकेंड ऑप्शन है ऑल टाइम में थ्री व्यूज़ है, टुडे, यस्टरडे, दिस मंथ एंड लास्ट मंथ। तो अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है लास्ट डे का, आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स एंड देन लास्ट 12 मंथ्स ऑल टाइम। आपको और भी जो आप क्लिक करोगे आप कोई उसी का दिखाएगा। चलते हैं यहाँ पे मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे, यहाँ पे आपको पाई चार्ट में मिल जाता है। पाई चार्ट पे आप देख सकते हो जो जो व्यूज रहेंगे आपको पाई चार्ट पे मिल जाएगा। तो ये था स्टार्ट्स का। अब चलते हैं जो नेक्स्ट है वो है कमेंट का। अगर आपके पोस्ट में जो भी कमेंट रहेगा वहाँ पे यहाँ पे मेंशन होगा। अब चलते हैं अर्निंग में आपको गूगल एडसेंस से आपको साइन अप करना होगा। गूगल एडसेंस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। मैं आपको यहाँ पे जो जो बेसिक है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पूछा डोमेन, अगर आपको डोमेन ख़रीदना है तो यहाँ पे सर्च करो और डोमेन आप ख़रीद सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अभी ना ख़रीदें, पहले थोड़ी अर्निंग करो उसके बाद ख़रीदें। मैं सुनो थैंक्स कर देता हूँ। सबसे पहले फिर गूगल ब्लॉग अगर आप बना रहे हो लाइफ टाइम, मतलब हमेशा के लिए बना रहे हो, तो आप गूगल एडसेंस से साइन अप कर लो। अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको ये गूगल एडसेंस आपको इन्फॉर्म कर देगा। एंड देन चलते हैं पेजेस पे। पेजेस आपको पोस्ट के जैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तब चलते हैं लेआउट पर। लेआउट ऑसम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट कैसा यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो ऐसा लेआउट है। तो मैं आपको एक बार व्यू करके दिखाता हूँ लेआउट कैसा है, उसके बाद मैं एडिट करके दिखाऊंगा।
अब देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में थ्री लाइन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है अचीव है, अचीव एंड रिपोर्ट अबिस। इसके ऊपर मेरे को एक सर्च बार ढालना है। सर्च बार ढालने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सर्च बार ढाल सकते हो। लेआउट पर जाना है, लेआउट पर जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग अचीव है, उसके ऊपर ऐड अ गैजेट है, उस पर क्लिक करूँगा मैं। एंड देन आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको जो जो एडिट करना है आप वो एडिट कर सकते हो। मेरे को सर्च बार एडिट करना है तो उसके सामने प्लस है, उसके ऊपर प्लस का उसको ऐड करना रहेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन मिल गया है सर्च दिस ब्लॉग, आप इसका एडिट कर सकते हो। मैं सर्च रख देता हूँ और इस पर सर्च रख देता हूँ और मैं इसको एक इमोजी ऐड कर देता हूँ, इमोजी मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ मिली, तो मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऐड कर दिया है। अब देख सकते हो ब्लॉग अचीव के जस्ट ऊपर ही है, मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ कि सर्च बार ऐड हो चुका है। अब ऐसे जितने चाहे जो चाहिए आप वो ऐड कर सकते हो। थ्री लाइन्स है, थ्री लाइन्स के ऊपर जस्ट आप देख सकते हो कि सर्च बार ऐड हो चुका है और सर्च के साथ में एक इमोजी ऐड हो चुका है, तब ऐसे हटा भी सकते हो। जहाँ पे ऑप्शन मिला है ऐड गैजेट का, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो गैजेट को, बस दो ही जगह है तो आप दो जगह ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं जो नेक्स्ट है वो थीम का है, मैंने थीम का दिखा दिया। अब सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपको ये इंटरफेस मिल जाता है। इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट है, आप अपने ब्लॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्ट कर सकते हो। तो मैं आपको डाल देता हूँ, मैं टेक्निकल हाउस, कॉमा इम्पोर्टेंट है, दो डिस्क्राइब के बीच में कॉमा होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मैं भी दो ही रखा हूँ। आपको पूरा फिल करना है, आई मीन जितना है उतना फिल कर सकते हो। 500 वर्ड की कैपेसिटी मिलती है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस पर इमोजी भी ऐड कर सकते हो। एंड देन ब्लॉग लैंग्वेज है, एडल्ट कंटेंट है, अगर आपका कंटेंट एडल्ट है तो आपको एनेबल कर देना है, नहीं ये तो नहीं करना। चलते जो बेसिक है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बेसिक डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लॉग एडमिन ऑथर है वो टेक्निकल हाउस है। एंड पेंडिंग ऑथर इन्वाइट, मैं अगर किसी ऑथर को इन्वाइट नहीं किया, यहाँ पे इनवाइट मोर ऑथर्स है, उस पर क्लिक करके आप इनवाइट कर सकते हो ऑथर को। एंड रीडर एक्सेस, जो रीड करने की जो एक्सेस होती है पब्लिक को है, अगर आपको प्राइवेट रखना है प्राइवेट रख सकते हो। एंड पोस्ट, मैक्स पोस्ट शोन ऑन मेन पेज पे कितने पोस्ट शो हो गए, तो यहाँ पे 7 है, आपको ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर ईमेल है, ईमेल, फिर उसके बाद पोस्ट, टाइम जोन, डेट हेडर फॉर्मेट, आपको डेट और फॉर्मेट भी मिल जाता है, टाइम्स एस्पेक्ट, ये मेटा टैग्स ये इम्पोर्टेंट है, उसको मैं एनेबल कर लेता हूँ। ये सर्च इंजन में काम आता है, तो आपको अपने जो ब्लॉग के रिलेट्स में कुछ टाइप करना है। मैं टेक्निकल हाउस डाल देता हूँ। एंड देन दो डिस्क्राइब में पहले जैसे बताया था, दो डिस्क्राइब के बीच में कॉमा होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। आपको ये 150 का कैपेसिटी मिलता है, इसको पूरा फिल करना है, जितना फिल करोगे उतना सर्च इंजन काम आएगा, सर्च इंजन होगा। मैं सेव कर लेता हूँ, पूरा फिल करना है। एंड देन चलते हैं आगे। अब जो लास्ट ऑप्शन है यूज़र प्रोफाइल का है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सेकेंड ऑप्शन है वो ईमेल है, जो आपके ब्लॉग पे शो होगा, अगर आप टिकआउट करोगे तो शो होगा वरना नहीं होगा। एंड देन बेसिक डिटेल्स है कि आपको अपने बारे में फिल करना है। देन ऑलमोस्ट मैं सब फिल कर दिया है, आप भी फिल कर सकते हो। एंड बस यही था ब्लॉग की बेसिक डिटेल्स। तो ये तो मैंने अभी बनाया, मेरा जो मेन ब्लॉग है जो गूगल यूट्यूब से कनेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। तो माय डियर सब्सक्राइबर, ये है टेक्निकल हाउस का ब्लॉग साइट। अब यहाँ पर
फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हो और इसे सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। और आगे और अभी तक टेक्निकल हाउस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।